आज एक मज़ेदार सी ढाबा रेसिपी एक आपको मैं शेयर कर रही हूँ। तो ये मैंने आलू लिए थे, कुछ उबाल लिए मैंने और इनको मैंने काट लिया है, डाइस कर लिया है। तो दो सीटी बस मरवाई आलू को और फिर मैंने ऐसे इनको डाइस कर लिया। तो ये मेरे पास बॉयल्ड आलू है। चलिए शुरू करते हैं जीरा आलू ढाबा स्टाइल। तो ये मेरी कढ़ाई गर्म है, इसमें देसी घी जाएगा। देसी घी थोड़ा सा हम मेल्ट कर लेते हैं। घी मेल्ट हो गया तो इसमें हम डालेंगे खूब सारा जीरा, क्योंकि हम बना रहे हैं जीरा आलू। तो थोड़ा सा इसको पका लेंगे, जीरे को तड़का लेंगे। अब इसमें मैंने डाल दिए चॉप्ड अनियन, तो इनको अब हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कर लेना, थोड़ा सा ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और थोड़ा सा भी गोल्डन कलर आना बाकी है इसमें। अभी थोड़ा और इसको हम भूनेंगे। ये देखिए इस स्टेज पे थोड़ा सा चॉप्ड जिंजर जाएगा इसमें, इसको भी हम एक आधा मिनट के लिए इसके साथ प्याज के साथ भून लेते हैं। हल्दी डालेंगे इसमें, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्ची, अब मैंने अपने आलू डाल दिए हैं उबले हुए। अब इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसमें। अब इसमें हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब मैं इसमें ये धनिया, और धनिया के साथ ये धनिया की डंडियाँ, ये इस स्टेज पे मैं डालूँगी। धनिया की डंडियाँ का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये आप ज़रूर डालें। कोरिएंडर स्टेम्स। धनिया डालने के बाद इसको मैं ढक दूंगी और 5 मिनट तक सिम गैस पे मैं इसको बीच में हिलाते हुए पकाऊंगी। देखिए ये 8 मिनट बाद मैंने बीच बीच में चला के इसको भूना था। अब ये देखिए ऐसे दिख रहे हैं। अभी इनको मैं 8 मिनट के लिए और सिम पे ढक के पकाऊंगी, 8 से 10 मिनट और मैं इसको पकाऊंगी। तो ये देखिए अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और कसूरी मेथी, इनको भी डाल के हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। आइए अब इसको हम सर्विंग ट्रे में निकाल लें, सर्विंग डिश में। तो ये देखिए कितने ही अच्छे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा जीरा आलू तैयार। इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करूँगी मैं अभी, और थोड़ा सा धनिया और, तो ये देखिए बिल्कुल ढाबा स्टाइल आपका जीरा आलू तैयार है। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी बनी, आपकी कैसा लगा आपको। अगली रेसिपी के साथ मैं फिर मिलूँगी, तब तक के लिए ख्याल रखें।